नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग तो दोस्तों तीन स्टॉक्स थ्री स्टार सेक्शन में लेकर हाजिर हूं आपके सामने में उसके चार्ट के हिसाब से लेवल देखेंगे और देखेंगे कहां पर इंट्री एग्जिट बन सकता है टारगेट स्टॉप लॉस हो सकता है लेकिन याद रखें मैं चार्ट के हिसाब से आपको बताऊँगा स्टॉक सेलेक्शन का रीजन समझाऊंगा इस पर अगर आप ट्रेड करते हैं या लेवल पर ट्रेड लेते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाम सलाह करके ही ट्रेड करें मेरे वीडियोज़ एजुकेशनल परपज़ के लिए होते हैं तो चलिए देखता हूँ कि सबसे पहला स्टॉक कौन से है मेरे रडार पर आया हुआ है देखिए डाबर इंडिया एफ सेक्टर का है स्टॉक और बहुत कम रडार पर आता रहता है क्योंकि मैक्सिमम ये कोलपाल या टाटा कंज्यूमर गोदरेज कंज्यूमर के चमक में दब जाता है लेकिन मेरे ख्याल से मार्केट को उसको वैल्यू अभी मिला नहीं है डाबर में डाबर को इससे भी ऊपर का भाव होने चाहिए आने वाले समय में अभी का तो मुझे पता नहीं कि कल कितना भागेगा नहीं भागेगा बस चार्ट के हिसाब से जो सिलेक्शन हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ ये एक बियरिश फ्लैग पैटर्न है क्या है बियरिश फ्लैग पैटर्न है ना ये पोल है उल्टा पोल है और ये एक फ्लैग बन गया उल्टा है ना तो ये है बियरिश फ्लैग पैटर्न अब ये बियरिश फ्लैग पैटर्न की वजह से डाबर इंडिया का सिलेक्शन हो गया तो बियरिश फ्लैग पैटर्न के अगर ये ऊपर वाले रजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट करता है तो एक बाई साइड की एंट्री बनती है और नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो एक सेल साइड की एंट्री बनती है तो आपको ध्यान रखना है कि ये बियरिश फ्लैग के ऊपर अगर ये पांच का ऊपर ब्रेकआउट करता है तो एक बाइंग का एंट्री मेरा बन सकता है और स्टॉप लॉस मैं इसमें पाँच सौ का लेके चलूंगा इस कंडीशन में जो मेरा टारगेट बनेगा वो पहला फाइव के आसपास का बनेगा पाँच सौ अड़तीस दूसरा टारगेट फाइव फोर्टी टू पाँच सौ बयालीस का और तीसरा टारगेट फाइव फोर्टी सिक्स पाँच सौ छियालीस रुपए का बनेगा लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो फिर मैं सेल साइड के लिए देखना पसंद करूंगा तो सेल का जो लेवल होगा पाँच सौ अट्ठाइस के नीचे होगा सेल बिलो फाइव ट्वेंटी एट जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 532 का होगा 532 का और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में पाँच सौ चौबीस दूसरा टारगेट 520 520 और तीसरा टारगेट 516 सिक्सटीन रुपए का शुरू के पाँच मिनट बिल्कुल भी आपको टेट को अवॉइड करके हम लोगों को चलना चाहिए क्योंकि मार्केट की वॉलीटिटी बहुत ज्यादा होती है जब मार्केट ओपन होता है तो बहुत फ्लैक्चुएसन के साथ ओपन होता है इसलिए थोड़ा तो सा वेट करके टेड का पॉसिबिलिटी अगर बने तभी ट्रेड करें अदरवाइज उस टेड को आप अवॉइड करके भी चल सकते हैं तो ये है पहला स्टॉक डाबर इंडिया सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं और उसके सिलेक्शन रीजन को समझते हैं देखिए सेकेंड स्टॉक यहाँ पर है ग्लैन मार्क फार्मा क्या नाम है ग्लैन मार्क फार्मा फार्मा सेक्टर का स्टॉक मार्क फार्मा उसको देखते हैं हम लोग और यहाँ पे क्या दिख रहा है ओ एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया से बार बार ये बाउंस हो रहा है उसके नजदीक जैसे ही आता है ये देखिए सपोर्ट बना के बाउंस हो जाता है और यहाँ पे भी लास्ट टाइम सेम इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट से ये बाउंस हो गया क्लियर है अब आपने देखा कि ये 25 तारीख वाली जो कैंडल है दो कैंडल ऊपर जाने वाले तो फॉल करता है फॉल के बाद एक प्राइस चैनल बनाता है उस प्राइस चैनल के ऊपर लास्ट टाइम में निकल भी जाता है तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन पर आके रुका हुआ है क्योंकि यहाँ पर भी रजिस्टेंस था जहाँ से ये गिर गया था अगर मैं इस रजिस्टेंस एरिया को ही मार्क कर दूँ यहाँ पर

लेकिन अगर ये नीचे की एरिया के एरिया की तरफ स्टैंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर हम लोग सेल साइड देखेंगे और सेलिंग का जो लेवल एग्जीक्यूट होगा मेरा आठ सौ रुपए के नीचे सेल बिलो एट एटी फोर जो स्टॉप लॉस होगा वो आठ सौ नब्बे एट नाइन्टी रुपीज़ का और जो टारगेट होगा मेरा पहला वो एट सेवेंटी एट आठ सौ अठहत्तर दूसरा एट सेवेंटी टू आठ सौ बहत्तर और तीसरा एट सिक्स आठ सौ छियासठ रुपए का फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंचेगा तो 50 टू 70 परसेंट क्वांटिटी बुक करने का कोशिश करना चाहिए उसके बाद अपने इस ट्रेलिंग स्टॉक उसका यूज़ करना चाहिए प्रॉफिट बुक नहीं करने पर ना लास्ट में लोग लॉस बुक करते हैं जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते लास्ट में लॉस बुक करते तो ये याद रखिए ये है सेकेंड स्टॉक मेरा ग्लिनॉक फार्मा सिलेक्शन रीजन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया क्यों सेलेक्ट किया गया इस स्टॉक को अब तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं और उसका नाम मैं लेके आता हूँ टाटा मोटर्स देखिए ऑटो सेक्टर का जबरदस्त मूवमेंट वाला स्टॉक और ये एक ट्रायंगल पैटर्न असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है. है रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस है और है तीन बार रेजिस्टेंस, है इसी तरह से सपोर्ट है और सपोर्ट है तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन गया है अगर इस ट्रायंगल पैटर्न असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर ही अगर ये सस्टेन कर जाए और आठ सौ पंद्रह रुपये के ऊपर निकल जाए तो एक मेरी बाइंग एंट्री बनती है बाय अब एट फिफ्टीन स्टॉप आठ सौ नौ 809 का और जो टारगेट होगा पहला वो एट ट्वेंटी से लेके आठ सौ और तीसरा एट थर्टी थ्री आठ रुपए का लेकिन अगर ये नीचे के एरिया की तरफ ब्रेक करता है नीचे तोड़ता है तो फिर हम सेल साइड जाने की कोशिश करेंगे तो सेल बिलो 805 805 के नीचे बेचेंगे जो स्टॉप लॉस होगा वो 811 रुपए का 811 का लगा के चल सकते हैं और जो टारगेट होगा पहला सेवन नाइन्टी नाइन दूसरा टारगेट सेवन नाइन्टी और तीसरा सेवन एट्टी सेवन का रहेगा मेरा तो ये तीन स्टॉक है दोस्तों सिलेक्शन रीज़न बहुत ही आसान है टाटा मोटर एसेंडिंग ट्राइंगल ट्रेंग पैटर्न ग्लेनमार फार्मा जो है ब्रेकआउट की ट्रेन लाइन से सपोर्ट लेता है ब्रेकआउट कर रहा है और डाबर जो है एक एरिया के पास में रुका हुआ डाबर का रीजन मैं फिर से एक बार क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पर डाबर चूंकि देखिए मुझे भी एनी टाइम मेरे दिमाग में रहना चाहिए कि अगर मैं इसको ले रहा हूँ सेलेक्ट कर रहा हूँ बीरिश फ्लैग पैटर्न डाबर क्या था एक बीरिश फ्लैग पैटर्न फंसा हुआ तो ये क्लियर रहना चाहिए ऑटोमेटिक दिमाग में चार्ट देखने के बाद पता चल जाना चाहिए तो तीनों स्टॉक्स के लेवल मैंने बताए सब और उस लेवल पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने रिस्क पर ट्रेड करें क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी, भी नहीं होगी तुम तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद